मुझे लगता है कि आप सभी को न्यूज़ तो मिली ही होगी कि जो एमपी में जो छात्रों ने आंदोलन किया था, एक तरह से धरना प्रदर्शन किया था एक तरह से, उसमें देखा है कि छात्रों पर लाठी बरसा दी गई है, उन्हें हटा दिया गया है। कई लोगों को मतलब अरेस्ट भी कर लिया गया है और कई जो टीचर साथ दे रहे थे उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। एक तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए तस्वीर। ये तस्वीर आपको देखना चाहिए, मुझे लगता है कि वो समय की है जब कमलनाथ सरकार बैठी हुई थी। जो रोजगार ना दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक गृह मंत्री हैं आपके, समझ रहे हैं? युवाओं से छलावा बंद करो, बंद करो। देखिए एक तरह से, हाँ मानता हूं, हम सभी लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलत किया है उसकी सजा उसे मिल चुकी है, एक तरह से साफ हो चुकी है कांग्रेस। आप देखिए लोकसभा में 2 बार से विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं बची हुई है, उसे उसमें के कर्मों की सजा मिल चुकी है। उसने 70 साल में क्या किया नहीं किया ये मायने नहीं रखता है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। एक वो उनका अन्ना साहब का एक अंत शब्द याद आता है कुछ, कि सरकारें आपकी धरने प्रदर्शन से कभी नहीं डरती, ये डरती हैं तो गिरने से। और एमपी में आप ऐसा दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, क्योंकि आप जिन्हें चुनते हैं वही आपके रातों रातों बदल जाते हैं, बिक जाते हैं। वहां कहा जा रहा है कि वो तुमने परमिशन नहीं ली थी धरना प्रदर्शन की या आंदोलन करने की कोई, तो तुम सरकार गिराने की परमिशन लेते हो, तुम रैलियां करने की परमिशन लेते हो। यानी कि कोई धर्म का अगर कोई त्योहार हो रहा है उसमें तुमने 100 लोग भी इकट्ठे होने की परमिशन नहीं दी। आपने देखा है गणेश जी विसर्जन हो या गणेश जी रखने की बात हो, रक्षाबंधन का मामला हो या कोई भी और त्योहार हो, लेकिन आप 100 100 गाड़ियां लेकर रैली कर रहे हैं। किसी भी सरकार हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को हमें रोजगार चाहिए, समझ रहे हैं? और ये हाल आप देख रहे हैं, यानी कि आपने जो एक तरह से लॉली चूस होता है, लॉलीपॉप क्या बोल देते हैं उसे, कि आपने वैकेंसी निकाली भर्ती उसकी जेल पैरी की, उसमें भी आपने दे दिया उल्टा सीधा, पता नहीं वो मतलब भांग खाए हुए थे क्या किए हुए थे, उसे नोटिफिकेशन निकाला उसमें आधे से अधिक गलतियां थी। या तो तुमने बेवकूफ समझ लिया जनता को, हाँ। और ये मैं सबसे बड़ी शर्म की बात हम लोगों की ही है, हम लोग ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो नेता बनने लायक ही नहीं है, समझ रहे हैं? अभी शिक्षा का मामला चला है तो ऑनलाइन शिक्षा की बात की है मामा ने, तो उसमें देखा गया है 25% 25 से 30% छात्र उपस्थित हो पाए जिनके पास सुविधा है। आप सोचिए 70% बच्चे या 70% गरीब परिवार अभी भी जूझ रहे हैं, इतना तो क्लियर है। देखिए उस समय अगर आंदोलन करते थे, आपने देखा हो भगत सिंह, राजगुरु, तो इन्हें आतंकवादी कहा जाता था उस समय, आपने खुद देखा होगा अंग्रेज सरकार ने आतंकवादी कहती थी, देशद्रोही कहती थी, लेकिन उन्होंने जान दी अपनी और आज हम लोग उन्हें शहीद कहते हैं, समझ में आए? एक मतलब आज नहीं करता, आज जो हम कर रहे हैं इसका एनालिसिस आज नहीं कर सकते हम लोग, सही गलत, सही है या गलत है इसका आज नहीं कर सकते हम लोग, आने वाले वक्त समय में करेंगे इस तरह का। अभी सुबह न्यूज देखा मैंने, किसी छात्र ने सुसाइड किया हुआ है, तब मैं उन बेवकूफों से पूछ रहा हूं जो कहते हैं कि कांग्रेस के समय इसके समय, देखिए कांग्रेस को मिल चुकी है सजा, एमपी में हो कहीं भी हो, 15 साल आपने देखा है कि नाम निशान नहीं रहा, तो आप उसकी बराबरी कर मत करिएगा। उसने जो किया उसका भुगतान कर रही है, भुगतान करती रहेगी, आपने क्या किया उसका बताइए। अभी देख रहा था यूपी में कहीं किसी ने बोला कि वो उसके समय में अखिलेश के समय में 200 छात्र मरे थे, या फिर कहा जा रहा है कि 200 बच्चों ने मतलब कोई बीमारी आई उसमें मरे हुए थे, तो क्या बराबरी करके लिए करने के लिए हमने चुना है आपको कि अखिलेश के जमाने में ये होगा तो तुम भी वही करोगे? ये भड़ एक तरह से आप सोचिए, ये समय खत्म हो रहा है, जो आप मतलब पुराने जमाने की राजनीति कर रहे हैं अब ये खत्म है, जनता जाग रही है।
आप मतलब उन्हें कम से कम रोजगार तो दीजिए। अभी किस कल ही कर आज ही किसान ने किसी ने सुसाइड किया हुआ है। मैं अभी सोशल मीडिया खोला, मैंने वहां देखा फोटो डली हुई है। अब उनसे जो मतलब किसी भी पार्टी के भक्त हैं, मैं बीजेपी कांग्रेस या हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए सोसाइट पर, कि अगर आप किसी के बाप होते, आप उस परिवार के एक तरह से स्तंभ होते, आप सुसाइड करते तो आपके परिवार पर क्या बीतता, या फिर आप अगर अपने बाप पर डिपेंड हैं तो अपने बाप को उस जगह पर रख के देखिए, फिर देखिए कि आपका बाप सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, उसके बाद तुम्हारे परिवार की क्या हालत होगी। कभी आप खुद सोच कर देखिए, आपको तमाशा लगता है ना कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं या किसान सुसाइड कर रहा है। एक किसान वो है जिसने पैदावार की जब जाके आप लोगों को खाना मिल रहा है, इतने मत इतराइएगा। इतिहास है जो कांग्रेस को धोखे रख दिया है। जेपी आंदोलन मत भूलिए आप लोग, देखा है कि किस तरह से इंदिरा गांधी खत्म हो चुकी हैं, इंदिरा गांधी को गद्दी से हटा दिया गया था। राजीव गांधी की हालत देख सकते हैं, मनमोहन सिंह थी 2014 से पहले, देखिए ना आप लोग कितने सफाया किया 2014 में, वही जनता ने आपको चुना है। मुझे दिल्ली दिल्ली की जनता ठीक लगती है, काम के नाम पर वोट तो दिया। अब कुछ कहेंगे कि फ्री का खाना जन पसंद है दिल्ली की जनता को, तो बेवकूफों को एक बात बता दूं कि मैंने उन्हें भी देखा है जो भक्त बने फिरते हैं, उसके बाद वो भी फ्री का अगर कहीं मिलने लग जाए तो अपने परिवार को खुद पहुंच जाते हैं। इसलिए महान मत बना करिएगा। और आप तब तक मुझे लगता है कि नेता नहीं है हमारे, या किसी भी के नेता नहीं है जब तक कि तुम उनके मुद्दे ना उठाओ। ठीक है, एमपी की हालत आज देख रहे हैं आप लोग, एमपी में छात्रों ने जो भी किया, आंदोलन किया, कितने विधायक हैं, 230 के करीब, कितने लोकसभा सदस्य हैं, मुझे लगता है 11, सॉरी लोकसभा सदस्य हैं आपके 29, लोकसभा सदस्य 29 ही है एमपी में कि कम है, और राज्यसभा सदस्य हैं आपके 11। आप सोचिए किसी ने आवाज उठाई है लॉकडाउन के टाइम, किसी ने जनता के लिए कुछ बोला हो, तो मतलब तुम्हारा कम से कम तुम जिसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेता बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपने जैसे चुना है, आपने इसलिए चुना है कि आपके जाके वहां जाए संसद में, आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें उठाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 साल से जब से कांग्रेस ने राज किया कुछ समय पहले, उसने भी स्टूडेंटों के लिए, किसी भी नेता ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई है। चुनाव जीतने के बाद सब खत्म है, 2-3 साल से आप ही लोग देख रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं आ रही है एमपी में, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये हालत है आपकी, क्या है ये हालत है। और छात्र क्या करें, सुसाइड ना करें क्या, एक परिवार की कभी उस परिवार के बारे में सोचकर देखिए आप खुद, कि मतलब कितने मन उससे पढ़ाते हैं वो लोग, कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको कभी लगता है कि सब तमाशा है तो आप कभी उस परिवार की जगह रख के देखिए जो सुसाइड करता है, जो सुसाइड करता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, आपकी 29 के करीब लोकसभा सीटें हैं एमपी में, ठीक है 11 राज्यसभा और 230 विधानसभा, किसी की कोई आवाज नहीं उठ रही है। 3 साल से तो आप ही ले देख रहे हैं कि एमपीपीएससी नहीं, एमपी पुलिस भी नहीं, एसआई भी नहीं, मामा ने बोल दिया कि हम अपने राज्य के भांजे भांजियों के लिए फैसला लिया है और उनके लिए रिजर्व करेंगे। रिजर्व तो तब करोगे तुम जब नौकरी आएंगी, रिजर्व का मतलब एक समझ रहे हैं आप लोग, एक कभी सक्सेस नहीं हुआ, कई राज्यों ने इस तरह की कोशिश की है, ये लोग जानते हैं राजनीति करना, आप और हम बस एक तरह से एक इतना मतलब शर्म करना चाहिए हमें, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा फैसला लीजिए जो कोर्ट में पहुंच जाए, वो सालों कोर्ट तक चलता रहे, कोई मतलब क्लियर ना हो, उसी में रगड़ के बैठे हुए हैं। एक तो विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि विपक्ष को एक मतलब
कोई अपने मन से वोट दे दे तो दे दे, वरना काम के नाम पर तो उसके कुछ वोट है ही नहीं। इसलिए जनता और स्टूडेंट भुगत रहे हैं, क्योंकि जब विपक्ष होता है दमदार और सरकार को गिरने की डर होता है, तब जाके काम करती है सरकार। समझ में आए? और तब तक कुछ नहीं। या तो मुझे लगता है कि हमारे भारत का दुर्भाग्य कहिए, भारत माता की, कि हमें ऐसे नेता मिलते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है कि कहा जा रहा है एक मामा ने कोई स्पेशल अमेरिका से फ्लाइट मंगवाया है चलने के लिए। आप सोचिए, उनकी मध्य प्रदेश में ही किसान सुसाइड कर रहे हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, मामा मजे कर रहे हैं। अब यही सोचिए, भगवान से या तो प्रार्थना करिए कि उद्धार करिए हमारा तुम्हारा। मुझे नहीं लगता है दूर दूर तक इस तरह का, अगर एक तरह से आप सोचेंगे नकारात्मक बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही हमें लग रहा है हम सबको कि दूर दूर तक शायद कोई उजाला नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अपने बातों में मगन है और बीजेपी अपने मगन में, और एमपी में दूसरी आपकी शायद मुझे लगता है पार्टी भी तो नहीं है इतनी मजबूत कि कुछ चुनाव लड़ सके और इन्हें टक्कर दे सके। इन पर मुझे लगता है कि अगर छात्र कोई इतना संगठन, बड़ा संगठन होता जो चुनाव लड़ता होता और विधानसभा में जाया होता, वो मुझे लगता है कि आवाज उठा सकता था। भगवान से दुआ करिए कि कुछ करे, वरना आप देखते रहते हैं जब भी न्यूज पेपर खोलते हैं आप लोग कि आज उस छात्र ने सुसाइड किया। हो सकता है कि ये स्थिति आप पर भी बीत जाए, क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं बच्चे। समझ रहे हैं? कोई खुशी से अपनी जान नहीं देता है, समझ रहे हैं? उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और उन बेवकूफों से तो दूर ही रही है जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने मतलब नाली में नहाया है तो तुम भी नहाओगे, मतलब अपने कर्मों की सजा मिल तो गई उसे। कांग्रेस को लोकसभा में आप देख रहे हैं, आधे अधिक राज्यों में आप देखते हैं कि नाम मिटने पर है अपने घमंड की वजह से। तो क्या 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 करोगे तुम? जो कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि जो मतलब जिनके खुद पर बीत रही है, जिनके परिवार पर, फिर भी बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि सच अगर बोलना अगर पाप है तो ये पाप मैं करूंगा, ठीक है? और आज से इतिहास 500 साल, 1000 साल बाद इतिहास निर्णय करेगा कि हम गलत थे, स्टूडेंट गलत थे या सरकारें गलत थी, ठीक है? तो चलिए दुआ करिए भगवान से, मैं तो कहता हूं कि कुछ करे, कुछ करे, क्योंकि दूर दूर तक हम किसी को भी आप देखिए, एमपी पुलिस का हो, एसआई का हो, आप लोगों का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मामा, अब आपके मामा के बारे में क्या बोला जाए, आप खुद जानते हैं। विधायकों के लिए, सबके लिए सपोर्ट, मतलब अच्छी अच्छी तरह से। एक तो सबसे बुरी हालत यही है कि हमारे जो विधायक हम चुन रहे हैं वो हर काम पर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन युवाओं की आवाज उठाए एक बार, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और एक अगर मुझे लगता है कि देशव्यापी और सभी स्टूडेंट अगर नहीं आते तब तक कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा मोटा देखते हैं कुछ छात्र करते हैं आंदोलन, उसके बाद ठंडा हो जाता है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही तो देखा गया है एमपी में भी अभी। और जो कोचिंगों वाले हैं वो अपने साथ बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कहीं उनकी कोचिंग बंद ना करवा दी जाए सरकार के द्वारा। तो अब क्या कर सकते हैं, बोलिए। आप भी नीचे बोलिए, कमेंट करिए आपका क्या सोचना है सरकारों के प्रति, ठीक है?